हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोल्हापुर दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एक दलित परिवार से उनके घर में जाकर मुलाकात की। अब राहुल गांधी ने इस मुलाकात का ब्यौरा और साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोल्हापुर में शाहू पटोले नाम के एक दलित व्यक्ति के घर पहुंचे थे। शाहू पटोले की पहचान ये है कि वो दलित किचन चलाते हैं और साथ ही दलित किचन ऑफ मराठावाड़ किताब के राइटर भी हैं। इसी मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल ने लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा शाहू पटोले जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता। वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संदे और अंजना तुकाराम संदे के साथ एक दोपहर बिताई। उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी, हर भरियाची भाजी और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई। पटोले जी और संदे परिवार के जाति और भेदभाव के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खानपान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की। बहुजनों को हिस्सेदारी और अधिकार संविधान देता है और उस संविधान की रक्षा हम करेंगे, लेकिन समाज में सभी की सच्ची समावेशिता और समानता तभी संभव होगी जब हर एक भारतीय दिल में भाईचारे की भावना के साथ प्रयास करे। बता दें कि हाल ही में राहुल कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम के बाद उन्होंने जाकर शाहू पटोले और सनदे परिवार से मुलाकात की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।